जाहिरी नमाज और सिर्रन नमाज, वो हम लोग अगर अकेला पढ़ रहे हैं लेडीज, तो उसमें क्या कैसे करना चाहिए हमको, इस जाहिरी और सिर्रन नमाज का क्या हुक्म है हम लोग के लिए? जहरी और सिरी नमाज, मतलब क्या जानना चाहते हैं उसमें आप? जैसे मुझे उस हम अकेला नमाज अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए। जहरी नमाज मैंने हम लोग आस्ते पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग सब नमाज पढ़ते वैसे पढ़, या जोहर में आस्ते पढ़ना है और ईशा में जोर पढ़ना है, या ऐसा कुछ अच्छा करना है? अच्छा शेख सिस्टर को इश्काल ये है कि वो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो क्या जहरी नमाजों को भी वो सिरी तौर पर पढ़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हैं, अगर अकेले पढ़ रही हैं तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, बस अगर वो जहरी नमाज को जहरी ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर पढ़ रही हैं कि उनकी आवाज अजनबी मर्दों तक जा सकती है तो वहां सिवरन पढ़ें। लेकिन मान लीजिए अपने घर में अपने कमरे में पढ़ रही हैं तो वो सिवरन और जहरन दोनों पढ़ सकती हैं। जहरन पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है, इल्ला ये कि एक चीज उलमा जिक्र करते हैं कि अगर आपको लगता है कि सिवरन पढ़ने से ज्यादा खुशबू आ रहा है तो आप सिवरन पढ़िए। बहरहाल आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सिर्री और जारी दोनों तरीके से पढ़ सकती हैं। जाहरण पढ़ना ये वाजिब नहीं है, मुस्ताहब वाजह बात समझ में आई सिस्टर आपके? है। जोहर असर में सिरन पढ़ना है नमाज। जी बिल्कुल।